एसपी ने किया है यातायात सहायता केंद्र का शुभारंभ। गंज बासोंडा नगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे जय स्तंभ चौक पर व्यापार महासंघ एवं पत्रकार संगठनों के सहयोग से यातायात सहायता केंद्र की स्थापना की गई, जिसका आज पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यापार महासंघ एवं पत्रकार संगठनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे एवं यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इस हेतु नगर वासियों द्वारा शासन प्रशासन को निरंतर सहयोग मिलता रहा है, जिसमें व्यापार महासंघ एवं पत्रकार संगठनों का सहयोग विशेष उल्लेखनीय है। गौरतलब है कि यातायात पुलिस कर्मी 12 महीने कड़ी धूप कड़कती ठंड और बारिश के मौसम में चौराहे पर यातायात व्यवस्था खड़े खड़े संभालते हैं एवं चलाने कार्यवाही के लिए वाहनों को सिटी थाना ले जाना पड़ता था। यातायात सहायता केंद्र की स्थापना से इन सब से निजात मिलेगी तो वही समय भी बचेगा। हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि अतिक्रमण देखने के लिए हमारे तो डायरेक्ट नहीं है, तो पुलिस को भी रवैया ये रहते हैं आप लोगों का जहाँ भी सपोर्ट करो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और आई थिंक बसोदा पब्लिक को इंतजार था इसका। राहुल जी अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो हम जयस्तंभ चौराहे के पास एक पुलिस सहायता केंद्र हमें गंज बसोदा व्यापार महासंघ तथा हमारे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से ये केंद्र उन्होंने एक तरह से हमें प्रदाय किया है अपने योगदान से, और इसका उद्देश्य ये है कि इस चौराहे पर अक्सर ट्रैफिक की समस्या आती है, साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो पब्लिक कई बार दिक्कत आती है जब यहाँ का मूवमेंट ब्लॉक होता है, तो बहुत अच्छे विचार से व्यापार बसोदा व्यापार महासंघ द्वारा और पत्रकार बंधुओं द्वारा एक तरह से ये भेंट है बसोदा पुलिस को, जिसका उपयोग हम एक सहायता केंद्र की तरह से करने वाले हैं। इस ट्रैफिक सहायता केंद्र का मूल उद्देश्य होगा सबसे पहले एक बेस यानी बेस ऑफ ऑपरेशंस रखना यहाँ के सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए, ये एक अच्छी बात है। हमारे पास एक डेडिकेटेड सुबेदार ट्रैफिक श्री रितेश वाघेला ऑलरेडी बसोदा में उपलब्ध है, उनके लिए एक बेस ऑफ ऑपरेशंस बन पाएगा, यहाँ से वो ट्रैफिक की स्थिति आसपास ही देखते देखते जायजा ले पाएंगे कि शहर में कहाँ ब्लॉकेज हो रहा है। साथ ही साथ एक बेस ऑफ ऑपरेशंस जो ट्रैफिक के लिए एक्सक्लूसिव हो, जो थाने से अलग हो, कि यदि ट्रैफिक की जल्दी समस्या हो तो कोई यहाँ चलते फिरते भी रुक कर नोट करा सकता है, ये सुविधा भी इस सहायता के उपलब्ध होगी। तो पुलिस विभाग जिला विदिशा की तरफ से मैं बसोदा व्यापार महासंघ को और हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत सा धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस तरह का जन सहयोग जहाँ प्राप्त होगा अवश्य ही ट्रैफिक ही नहीं अन्य समस्याएं भी जरूर कम होंगी। सर व्यापारियों द्वारा सहयोग हमेशा मिलता है, पत्रकारों से जितना बनता है सभी लोग करते हैं, सिग्नल को लेकर क्या कहेंगे? सिग्नल का फैसला एक फैसला है जिसमें हमारे साथ साथ नगर पालिका और प्रशासन भी इन्वॉल्व रहता है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक अस्थायी सिग्नल जिसके लिए फिक्स पोल की आवश्यकता नहीं होती वह आजकल उपलब्ध होने लग गए हैं, और मुझे खुशी है कि SDOP बासोदा श्री भारत भूषण शर्मा ने स्वयं ही अपने इनिशिएटिव से इसके लिए इंदौर लिंक भी किया है, और हमें बहुत भरोसा है कि जल्द ही नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करके यह हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो बिना बड़े खर्चे के या बड़ी अनुमति के स्थायी रूप से भी फंक्शन करने लगेगा, तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा।